खबर दुर्ग से है, जहां वार्ड क्रमांक 57-58 में विगत कई वर्षों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे निवासियों ने दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि निवासियों ने स्थायी पट्टा की मांग की है। वहीं रहवासियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से मकान का टैक्स निगम प्रशासन को दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक ही लाइन में रहने वाले लोगों को पट्टा नहीं दिया गया, जिससे रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मांग थी वार्ड क्रमांक 57-58 उर्ला बेलोदी रोड। यहाँ की स्थिति में ऐसे है कि निगम की लापरवाही यहाँ पे ज़्यादा दिखती है, और उसकी लापरवाही का मज़ा आम जनता को इन रोज़मर्रा रोजी रोटी को कमाने वालों को भुगतना पड़ रहा है। जिस समय इनका पट्टे का सर्वे हुआ था, जो कि ये रोजी रोटी कमाने लेके बाहर जाते इधर उधर, तो उस समय ये मौजूद नहीं थे, तो उनका पट्टा ही नहीं बना और किसी का अस्थाई कर दिया और किसी का स्थाई कर दिए। एक लाइन में 10 लोग रहते हैं तो 3 लोग का अस्थाई है, 3 लोग का स्थाई है, और 3 लोग को पट्टा ही नहीं दिए, जिसके कारण इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा है। और इनके कच्चे मकान हैं, आप देख के जाए टूटे फूटे मकान में रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। हम ये चाहते हैं कि निगम की लापरवाही का खमाजा ये आम जनता क्यों भोगे। कलेक्टर से यही मांग की है कि इनका दोबारा सर्वे किया जाए। मांग थी वार्ड क्रमांक